यातायात पुलिस द्वारा 3 दिनों में 22 शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की। यातायात पुलिस द्वारा प्रतिदिन रात में शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग के निर्देशानुसार एवं डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर के नेतृत्व में सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध अभियान चलाकर दुर्ग भिलाई के विभिन्न मार्गों में कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा प्रतिदिन रात 8 बजे से देर रात तक कुम्हारी टोल प्लाजा, सिरसा गेट, मुर्गा चौक, गदा चौक, सूर्या मॉल चौक, सिविक सेंटर, पुलगांव चौक, पटेल चौक, गुरुद्वारा चौक, नेहरू नगर में चेकिंग पॉइंट लगाकर शराब के नशे में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के अल्कोमीटर के द्वारा चेक किया जा रहा है, जिसमें 3 दिनों में 22 वाहन चालकों द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाते पाए जाने से वाहन जब्त कर संबंधित थाने में रखा गया एवं वाहन चालकों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रत्येक प्रकरण पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ₹10,000 अर्थदंड वसूल किया गया। अभियान की जानकारी डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने दी। यातायात पुलिस द्वारा लगातार ऐसे वाहन चालक जो शराब पी के वाहन चलाते हैं उसमें हम लोग लगातार कार्रवाई करते आ रहे हैं, और अभी पिछले 3 से 4 दिनों में हम लोग ने 20 से 22 वाहन चालक जो शराब पी के चला रहे थे उसका हम लोग ने फाइन किया है, उसको माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया है, और जनवरी से लेकर अभी नवंबर तक 245 से अधिक वाहन चालकों को हम लोगों ने फाइन किया हुआ है, और एक एक वाहन पर 10-10 हज़ार से अधिक का फाइन हुआ है, और ऐसे वाहन चालकों का हम लोगों ने लाइसेंस निलंबन के लिए भी भेजा जा रहा है, और हम लोग लगातार अपील भी कर रहे हैं कि अभी चाहे वो 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, भारी वाहन, कोई भी नशे के हालत में वाहन न चलाएं, नियमों का पालन करें, और जो भी मिलेगा उसमें हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 2022 में 158 शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई थी एवं इस वर्ष 2023 में विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करते हुए कुल 245 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने कहा कि यातायात पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए इस अभियान कार्रवाई को निरंतर जारी रखा जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।